नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से एक बार मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पर फिर से और एक मज़ेदार वीडियो के साथ आपके सामने हूं। जी हां दोस्तों, थंबनेल में आपने सही पढ़ा है, एक काम है जो आपको सिर्फ 3 महीने में एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, हर 3 महीने में एक बार वो काम करना है। और वो काम करने से आपको कुछ वॉल्यूम फ्री में मिल जाएगा, कुछ पीवी फ्री में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। देखिए दोस्तों, आप सभी ने पिछले कुछ लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, शायद आपने वो वीडियो देखी रहेगी, कि जो हमारी एक डाउनलाइन थी उन्होंने सिल्वर लेवल अचीव किया था। और वो सिल्वर लेवल किस कैसे अचीव किया था, चार्ट के माध्यम से किया था, जैसे कि अभी आप ये स्क्रीन में देख सकते हो। इस वो वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि ये चार्ट कैसे निकालना है, क्या करना है, सब कुछ बताया। और वो चार्ट के हेल्प से उन्होंने क्या हेल्प ली थी वो चार्ट की, कि कौन से आदमी को कितने पीवी कम पड़ रहे, जो एकदम नज़दीकी है अपने नेक्स्ट लेवल से, उनको उन्होंने अप्रोच किया और उसके माध्यम से उनका वो लेवल अचीव करवाया और ख़ुद का भी सिल्वर लेवल अचीव कर लिया। तो आज भी हम हेल्प तो ये चार्ट की ही लेंगे, लेकिन आज ये जो चार्ट यूज़ करना है कुछ अलग तरीके से करना है। ये अब लेवल अपग्रेड के लिए ये चार्ट यूज़ नहीं करना है, ये चार्ट तो आपको यूज़ करना है लेकिन अलग तरीके से करना है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया, हर 3 महीने में एक बार ये काम करना है। तो मान के चलिए कि आप जनवरी से ये काम स्टार्ट करने वाले, तो करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपके नीचे जितने भी डायरेक्टर, भले अभी नॉन क्वालिफाई है, जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया था कभी ना कभी एक बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करना है, ठीक है। और आप खुद भी अभी मान लीजिए नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो, तो फिर वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि सिर्फ उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो सबको जमा होना है, और ये मैं जमा होने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी हम ये कंप्यूटर से चार्ट निकालते, तो हमें हमारे आईडी के नीचे जितने भी नॉन क्वालिफाई है लेग, सिर्फ उनका और उनकी डाउनलाइन का चार्ट दिखता है। और मान लीजिए कि कभी भी आपके नीचे कोई एक लेग है जो ऑलरेडी एक बार क्वालिफाई हो चुका है, तो उनकी डाउनलाइन का चार्ट आपको नहीं दिखता है, वो चार्ट सिर्फ उन्हीं को दिखेगा। तो सबको करना क्या है, फर्स्ट वीक में, महीने की फर्स्ट वीक में, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके नीचे जो भी एक बार भी डायरेक्टर है उनको सभी को जमा होना है और सभी को बोलना है कि साथ में अपना चार्ट लेके आए, ठीक है। अब सभी लोग अपना अपना चार्ट लेके आएंगे और आपके पास अपना भी दूसरा एक क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई लोगों का चार्ट है, मतलब पूरे सभी लोगों का एक चार्ट मिक्स हो जाएगा, आपके पूरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उसका पूरा चार्ट आपके हाथ में आ गया। अब करना क्या है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारे साथ कई लोग जुड़ते हैं, सिर्फ 1 महीना 2 महीना काम करते हैं, फिर काम करना बंद कर देते हैं। जिन्होंने सिर्फ 1 महीना परचेस किया है, 2 महीना परचेस किया और फिर कभी भी जीवन में कभी भी परचेसिंग की ही नहीं है। अब आपको ये चार्ट में से ऐसे लोगों को ढूंढना है। और ये जो मैं काम बता रहा हूँ ना, जो 3 महीने में एक बार करना है, इसमें पॉसिबिलिटी है, देखो वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा आपको, मतलब कि कैसे आइडेंटिफाई करना है सब कुछ मैं बताता हूँ वीडियो में। तो उन लोगों को टारगेट करना है, वो लोग देखो आगे फ्यूचर में काम करे या ना करे, फिर भी जाते जाते भी कुछ पीवी आपको देखे जाएंगे, भले फिर भी फ्यूचर में काम नहीं करेंगे फिर भी कुछ पीवी का बिजनेस देखे जाएंगे। कैसे देंगे वो मैं बताता हूँ। देखो, आप सभी को मालूम है, जैसे अभी आप ये स्क्रीन में भी देख सकते हो, जब हम हमारी मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसमें ये लिखा आता है माई वाउचर्स लिख के आता है, ठीक है। और जैसे हम ये माई वाउचर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसमें ऊपर अगर आप देख सकते हो, एक बाजू लिखा रहता है प्रोडक्ट वाउचर, एक बाजू लिखा है बोनस वाउचर। तो ये बोनस वाउचर कौन से होते हैं, जो हमें कंसिस्टेंसी में मिलते हैं और वो जो हम प्रोडक्ट जाके खरीद के आते हैं सामने कुछ पीवी नहीं मिलते हैं। तो ये हो गया एक सेक्शन बोनस वाउचर। वहीं पर एक दूसरा सेक्शन होता है ये प्रोडक्ट वाउचर। अब ये प्रोडक्ट वाउचर में भी कुछ वाउचर्स होते हैं, कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें वो वाले वाउचर्स होते हैं, आपके नीचे कोई डाउनलाइन आपने ओपन की है, उसका पे आउट 100 रुपये से कम का बना था, तो ये केस में उसको पे आउट के रूप में कुछ प्रोडक्ट वाउचर इश्यू किए गए थे। तो ये प्रोडक्ट वाउचर यहाँ पर शो होते हैं और यहाँ पर वो वाउचर से जब भी हम खरीदारी करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें पीवी मिलते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट वाउचर से जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके पीवी मिलते हैं हमको। दूसरा, आपके नीचे कोई डाउनलाइन है जिसने 100, 200, 300 पीवी भी कर लिए थे,
लेकिन कुछ कारणवश आपने उनका बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं करवाया था। अब जब बैंक डिटेल्स अपडेट ही नहीं होता है तो वो केस में भी वैसे सारे लोगों का भी वो जो पे आउट है वो प्रोडक्ट वाउचर के माध्यम से यहाँ पर आ जाता है। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अब वो चार्ट है आपके पास, अब आपको उनका लेवल नहीं अपग्रेड करवाना है, आपको ऐसे लोगों को ढूंढने हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार दो बार तीन बार ही परचेस किए और अभी परचेस करना बंद कर दिया, अब काम नहीं कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके नीचे कोई एक डाउनलाइन है, अब उसका 80 रुपये का तो जमा हो गया है पे आउट, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया कि ये भाई साहब ने सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट लिया था, अब नहीं है, बट वो एलिजिबल है 80 रुपये के लिए, तो उसका प्रोडक्ट वाउचर है 80 रुपये का। तो ये केस में आप उनको साथ कॉल पर बात करके बता सकते हो कि भाई आपने कुछ एक या दो बार आपने सामान खरीदी की थी वेस्टिज से, तो ये केस में अभी आप सिर्फ 10 रुपया दीजिए आपको दो साबुन मिल जाएंगे। 10 रुपये में अगर दो साबुन मिल रहा है तो कोई ही ऐसा आदमी होगा जो मना करेगा। अब उसके लिए उसको करना क्या होगा, उसके लिए आपको सिर्फ उसको यही बोलना है कि आपका एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना है। अगर वो पासवर्ड भूल भी गया तो आपको मालूम है पासवर्ड कैसे वापस से आता है, रजिस्टर्ड मोबाइल से मिस कॉल देगा तो पासवर्ड भी आ जाएगा। वो देखो वो काम नहीं कर रहा तो उसको तो अपना पासवर्ड याद ही नहीं होगा, तो उसका पासवर्ड उसको रिट्रीव कराना है। फिर वो जो प्रोडक्ट वाउचर है वो प्रोडक्ट वाउचर नंबर से आप 10 रुपया अलग से लेके, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी चीज़ वो जो चाहे वो ले सकते हैं, जो ऊपर नीचे का पैसा है वो जमा करके आपने मान लीजिए कि 10 रुपया ऐड करके दो साबुन ले लिया। अब दो साबुन के जो PV है वो उसके खाते में तो एडिट हो जाएगा और आपके ग्रुप PV में भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसा जब आप छोटा छोटा काम करोगे तो उसमें दो बेनिफिट होंगे। देखो ऐसे करके हमने कई बार ऐसे हर 3-4 महीने में 100-150 PV का बिजनेस हम निकाल लेते हैं। तो आपको भी ये टिप इसीलिए दे रहा हूँ कि हर महीने नहीं करना है, क्योंकि हर महीने ये काम करने का कोई मतलब भी नहीं है। पिछले 3-4 महीने में जो लोग जमा हुए बस वैसे लोगों को वापस से इस तरीके से कॉल करिए, तो कम से कम जो हिसाब से आपने पिछले 3 महीने में मेहनत की रहेगी वो हिसाब से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप सामान नहीं खरीद रहे बट कुछ ना कुछ ऐसे 2 PV, 5 PV, 2 PV, 5 PV, 10 PV ऐसा करके करके भी आपका 100-150 PV का हर तीसरे चौथे महीने में फ्री का बिजनेस हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 2 दिन इसके लिए, 3 महीने में एक बार, और पॉसिबल है जो आदमी ने अब काम करना आपसे बंद कर दिया लेकिन आपका एक कॉल उसके माइंड में कुछ अलग इफेक्ट भी डाल सकता है कि आप कितने ईमानदार हो, आप कितने अच्छे लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ है। देखो होता है ना कि मैंने तो अब काम करना बंद कर दिया है लेकिन ये बंदे ने मेरे फायदे के लिए, क्योंकि मैं उसके साथ जुड़ा था, वो मेरी केयर कर रहा है, उसने सामने से मुझे कॉल किया कि आप एलिजिबल हो ये फ्री प्रोडक्ट के लिए अभी भी, तो उसने मुझे वो प्रोडक्ट भी दिलवाया। तो ये केस में वो बंदा फिर से शायद आपके साथ आगे कंटिन्यू कर ले और आगे और भी काम कर सके। तो इसमें दो बेनिफिट होता है दोस्तों, PV का भी बेनिफिट हो जाता है और मे बी पॉसिबल है कि वो 10-15 लोग जो बंद पड़ गए थे उसमें से शायद एक या दो जन फिर से वेस्टेज में काम करना चालू कर दे। आप एक बार ये प्रैक्टिस डालिए, एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखें और फिर मुझे बाद में कमेंट में लिखिए कि सर आपके बताए हुए तरीके से हमने कुछ लोगों को कॉल किया था, इतने PV का बिजनेस आया और इसमें से इतने लोगों ने फिर से हमारे साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। देखो सभी के सभी वापस से काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे बट हाँ उनका जो फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है ना वो तो जरूर लेंगे, वो उसके लिए वो आपको मना भी नहीं करेंगे। आप अगर उनको बोल रहे हो कि आपका 80-90 रुपया जमा पड़ा है, आपको दो प्रोडक्ट दो साबुन फ्री मिल रहा है या ये फ्री मिल, तो वो जरूर से लेंगे। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि चार्ट का इस्तेमाल हम कई तरीकों से कर सकते हैं। एक तो लेवल अपग्रेड करवाना है उसके टाइम में भी काम आता है, और ऐसे जो डेड डिस्ट्रीब्यूटर है वो डेड डिस्ट्रीब्यूटर हर 3-4 महीने में अगर आप निकाल लोगे वो चार्ट के माध्यम से, तो वो केस में भी आपको, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं आएगा, 100-150 PV का ही बिजनेस आएगा पूरे नेटवर्क से, बट कुछ लोग फिर से वापस से आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई रहेगी, वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट में लिखिए, और मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।